आपको मिलेगा जहाँ पे लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी हैं। यूरोप की वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है वहाँ पे, इवन छोटे छोटे आपको रूम्स वहाँ पे 500-600 यूरो के मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदर एमआर गाइडलाइन टू यूरोप सेशन। आज के दिन हम सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करने लगे हैं, जो मुझसे लोग अक्सर मैसेजेस पे भी पूछते हैं, ईमेल्स पे भी पूछते हैं कि मुनीब भाई हम ना सिटी चूज़ कर रहे हैं जर्मनी में, कोई भी हमें बता दें कि किस टाइप का सिटी है जहाँ पे हम जर्मनी में आएँ जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किस टाइप के सिटीज़ में आना चाहिए और आपके लिहाज से कौन से टॉप 5 या टॉप 10 सिटीज़ हमें कुछ सजेस्ट कर दें। अब मेरा ये सिनेरियो है कि मैं पिछले 8 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ, तकरीबन मैंने सारे जर्मनी के मेन सिटीज़ देख लिए हैं, लास्ट 2 ईयर से ऑलमोस्ट 50 सिटीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का विजिट, लोगों से बातचीत करना, वहाँ का कल्चर देखना, तो ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। इसी वजह से ये जो लिस्ट मैंने तैयार की है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर तैयार की है, साथ ही साथ डिफरेंट चीज़ों पर रिसर्च करके और उन्हें देख के कि यार कौन से सिटीज़ हो सकते हैं आइडियली जो मुझे लगता है कि टॉप 5 सिटीज़ में इंक्लूडेड होने चाहिए। मेनली हम टॉप 5 सिटीज़ डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल में, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो एंड तक तो इंशाल्लाह होपफुली हम टॉप 10 तक भी जाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो टॉप 5 सिटीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सबसे पहला सिटी जो मुझे लगता है कि जर्मनी में रहने के लिहाज से सबसे अच्छा है वो बर्लिन है। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं, बर्लिन में पर्सनली मैंने 3-4 महीने गुजारे हुए हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ लगी है बर्लिन की वो ये कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है इट्स ऑन अनदर लेवल। ज़्यादा अगर आप फॉरनर देखते हो तो वो भी बर्लिन के रीजन में ही आपको मिलेंगे। अच्छा, इसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बर्लिन में जितने भी इंटरनेशनल्स आते हैं वो काफ़ी प्रेफर करते हैं कि उन्हें लैंग्वेज के इश्यूज़ ना आएँ। अब लैंग्वेज के इश्यूज़ ना आने का मतलब ये कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में सर्वाइव कर पाएँ, और बर्लिन एक ऐसा सिटी है जहाँ पे अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपको कोई इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। तो सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेशनल सिटी को देखा जाए तो वो बर्लिन आपको मिलेगा, जहाँ पे लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, मार्केट भी काफ़ी अच्छी एग्जिस्ट करती है, के अलावा वहाँ पर कभी बंदा बोर नहीं होता क्योंकि इतने टाइप की चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए। जब मैं वहाँ पे था वहाँ पे आप हाइकिंग पे जा सकते हो, लाइक प्लेन एरियाज़ में इतने ज़्यादा पहाड़ी रीजन नहीं है बर्लिन में, वहाँ पे सी साइड एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे उसको विजिट कर सकते हो, वहाँ पे ग्रीनरी भी एग्जिस्ट करती है, पार्क भी हैं, लेक्स भी हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़े पार्टी बॉय हो जाते हो, क्लबिंग वगैरह का शौक होता है, तो आई थिंक बर्लिन में वर्ल्ड फेमस क्लब्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ बर्लिन में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। ओवरऑल यूरोप में भी उनका काफ़ी अच्छा मेयार है, जिस तरह टीयू बर्लिन को देख लिया जाए तो यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के लिहाज से भी अच्छा सिटी है। इन लॉन्ग रन अगर आप अपना फैमिली ग्रोथ की सोच रहे हो और आप चाह रहे हो कि बच्चों को थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले या थोड़ी वो इंग्लिश भी सीखें साथ साथ, और साथ ही साथ उन्हें स्कूलिंग में इतने इंग्लिश स्कूल ढूंढने में इतने मसले ना आए, तो आई थिंक बर्लिन बड़ी अच्छी जगह है। अच्छा, अब जर्मनी में अक्सर लोगों को ये भी मसला होता है कि यार देसी खाने की क्रेविंग जब होती है तो बड़े कम अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, बट अगर आप बर्लिन में रहते हो तो उस टाइप के आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि तकरीबन हर एक मेजर एरियाज़ में वहाँ पे एक देसी रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता है और काफ़ी अच्छे खाने, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो इस वजह से खानों की जो क्वालिटी है वो भी वहाँ पे ज़्यादा है। तो आई थिंक बर्लिन मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा और नंबर 1 सिटी में आएगा इंटरनेशनल्स के लिए। सिटी काफ़ी बड़ा है, आपको कहीं भी जाने में कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि हर रूट पर वहाँ पर या तो ट्राम्स चल रही हैं, उबान चल रही हैं या बसेस चल रही हैं, तो आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से बर्लिन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा वेल मैनेज्ड सिस्टम है। अच्छा, जो सेकंड नंबर पे सिटी आता है वो आता है डिसलडोर्फ। पे मैंने पर्सनली जब विजिट किया था तो मुझे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सिटी लगा था जर्मनी का, क्योंकि जब भी आप टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन को सर्च करते हैं तो उसमें अक्सर डिसलडोर्फ मिसिंग होता है, बट अगेन जब मैंने डिसलडोर्फ को विजिट किया तो मुझे लगा कि यार इस टाइप का सिटी ना मैंने आज से पहले विजिट नहीं किया, स्पेशली वहाँ की जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस है प्लस जो एक काल्म एटमॉस्फेयर है वो मुझे जर्मनी में शायद ही और किसी सिटी में मिला हो। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे सनसेट का व्यू आपको देखने को मिलता है, साथ में ही आपको एक मार्केट मिलती है जहाँ पे एक फूड स्ट्रीट लगी होती है, जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में आपको आइडिया होता होगा फूड स्ट्रीट है, लोगों ने लाइवली किस्म के लोग होते हैं, हल्ला गुल्ला लगाया होता है, तो डिसलडोर्फ में एक फूड स्ट्रीट है जहाँ पर ज़्यादातर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिफरेंट वैरायटी के खाने मिल जाते हैं। पहला जो स्पेनिश फूड है वो भी मैंने डिसलडोर्फ में ट्राई किया था, और अक्सर वहाँ पे आपको देसी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ अगर आप फास्ट फूड बर्गर या इस टाइप की चीज़ें देखते हो तो वो भी आपको मिलेगा वहाँ पे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, यूरोप की वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट है जहाँ पे तकरीबन हर टाइप का ब्रांड एग्जिस्ट करता है, तो डिसलडोर्फ में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है और जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी वेल ऑफ लोग हैं, लाइक काफ़ी अमीर किस्म के लोग हैं। अब जरूरी नहीं है कि डिसलडोर्फ में हर कोई अमीर ले रहा हो, साथ में और भी लोग रहते हैं जो कि बड़ी एवरेज सैलरीज ले
रहे हैं, बट अगेन कुछ ऐसे वहाँ पे लोग हैं जो आपको लगेगा लाइक वहाँ की फैशन स्ट्रीट में जाके स्पेशली आपको लगेगा कि यार मैं तो लगता है कि कुछ ना कम चीज़ें पहन के आया हूँ, किसी ने रोलेक्स की वॉच पहनी है, किसी ने प्रॉपर लाइक बैग लटकाया हुआ है गुची वगैरह का। नॉर्मली बाकी सिटीज़ में मैंने नहीं देखा कि लोग इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो या इतना ज़्यादा फैशन को फॉलो करें, लेकिन डिजलडॉर्फ मुझे एक ऐसा सिटी लगा था जहाँ पे वाकई जाके लगा था कि यार कोई ना ज़रा हाई फाई किस्म की चीज़ें पहन के जाना चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट डिजलडॉर्फ के बारे में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पूरी दुनिया में छठे नंबर पर आता है। और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द सिटी है उसका नाम है ओबर कासल, तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो डू विजिट ओबर कासल एज वेल। थर्ड नंबर पर जो सिटी है जो जर्मनी में आते हैं वो है फ्रैंकफर्ट, और इस टाइम लकली मैं उसी सिटी में खड़ा हूँ फ्रैंकफर्ट में, जिस तरह मैंने पहले बताया काफ़ी आना जाना होता है मेरा क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर रहते हैं। तो अगेन ये वो सिटी है जो कि फाइनेंशियल हब कहा जाता है जर्मनी का, और अगर यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ये 7th नंबर पे ये वाला सिटी आता है। अगेन ये रैंकिंग मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा, ये सर्वे करके ये वाली रैंकिंग बनाई गई है, और अगर आप खुद भी गूगल करते हो तो आपको वहाँ पे ये सारी सिटीज़ नज़र आ जाएंगी जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे 7वें नंबर पे है, और अगर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 2nd नंबर पर आता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन कम्बाइंड विद म्यूनिक। तो अगर आप ओवरऑल दुनिया के सिटीज़ की लिस्ट देखते हैं और उसमें 2nd मोस्ट ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक दोनों एक साथ ही मिलेंगे। अच्छा, फ्रैंकफर्ट में खुद मैं यहाँ पर जब आता हूँ, काफ़ी टाइम पे यहाँ पे रहा भी हुआ, तो मुझे आइडिया है कि यहाँ पर करने के लिए काफ़ी कुछ है स्पेशली देसी कम्युनिटी के लिए। खानों की बात करें तो देसी रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, और वन ऑफ द मेजर कम्युनिटी जो देसी लोगों की यहाँ पर आके रहती है, तो आप अपने कल्चर को अगर बड़ा मिस करते हैं तो आई थिंक फ्रैंकफर्ट आपके लिए अच्छा सिटी है। आपको यहाँ पर आकर एक ना एक दफ़ा कल्चर लाजमी यहाँ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, और स्पेशली यहाँ की देसी कम्युनिटी में आपको लाजमी इन होना चाहिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने को मिलेंगी। और यहाँ पे एक रिवर वॉक है जहाँ पे साथ ही आपको स्काई स्क्रेपर नज़र आता है, और वो बहुत ही आइडियल किस्म का व्यू है स्पेशली अगर आप वॉक के लिए जा रहे हो, जॉगिंग के लिए जा रहे हो, थोड़ा आराम करने के लिए अपना फेवरेट स्पॉट ढूंढ रहे हो। मेरा भी अक्सर वही वाली जगह होती है, मैं जाके वहाँ पे बैठ जाता हूँ और वहाँ पे जो सुकून मिलता है लाइक वो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, जर्मनी में 4th नंबर पे सिटी आता है, वो आता है हमारा हैमबर्ग। हैमबर्ग भी एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, और मैं इसलिए वजह से नहीं कह रहा कि कहाँ देखा पड़ा है, ये मैं खुद इन सारी सिटीज़ में जाके पर्सनली विजिट कर चुका हूँ, और हैमबर्ग की एक डिफरेंट ही किस्म की वाइब है। और सबसे अच्छी चीज़ जो वहाँ पे मुझे लगती है वहाँ का पाथ लगता है, वहाँ का वॉकिंग पाथ, क्योंकि हैमबर्ग के बारे में आज शायद आपने सुना कि यहाँ पे डिफरेंट कैनाल्स एग्जिस्ट करती हैं, और 2000 ब्रिजेज हैं जो कि उस कैनाल के ऊपर से गुजरते हैं, और ये कंबाइन कर लें आप जितने ब्रिजेज एम्स्टरडैम में हैं या फिर वेनिस में मिल रहे हैं उन सबको कंबाइन कर लें फिर भी आप उतने ब्रिजेज नहीं बनते। कभी सिटी वॉक में निकलें तो आई एम श्योर कि आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। एक और जगह है वहाँ पे स्पाइशरस्टड कहलाती है, पूरा रेड किस्म की बिल्डिंग है और साथ में ही उसके रिवर पास हो रहा है, तो वो एक बहुत सैनिक किस्म का व्यू देती है। अगर आपको पिक्चर का शौक है तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट लोकेशन होगी पिक्चर डालने के। इसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सर्ट हॉल है, जिस तरह एम्फिल हारमोनी है, आर्किटेक्चर वाइज बड़ी अच्छी बिल्डिंग मानी जाती है। अगर बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो 19th नंबर पे आता है ओवरऑल दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में हैमबर्ग। अगर आप कभी जर्मनी आते हैं तो आई थिंक हैमबर्ग को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जो 5th नंबर पे सिटी है आई थिंक आप ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे सुन के, वो म्यूनिक है। म्यूनिक 3rd नंबर पे आता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, वर्ल्ड वाइड ये 3rd नंबर पे आ रहा है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा सिटी होगा ये रहने के लिए। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने फ्रैंकफर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया था, म्यूनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रैंकफर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में कंबाइंड 2nd नंबर पे है। जर्मनी की बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 पे आती है टीयू म्यूनिक, वो भी ऑब्वियसली म्यूनिक सिटी में एग्जिस्ट करती है। मैंने अपने चैनल पर पूरी वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने बताया था कौन सी टॉप 10 बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी में। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो लाजमी उस वाली वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। म्यूनिक की जो ओवरऑल वाइब है वो थोड़ी कॉर्पोरेट किस्म की वाइब है, वहाँ पे लोग इतने ओपन नहीं होते जिस तरह के बर्लिन में, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है जॉब के हवाले से, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है वहाँ पे सिटी। जिस तरह शायद आपको आइडिया हो कि जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, वन ऑफ द क्या बल्कि सबसे ही एक्सपेंसिव सिटी है, इवन छोटे छोटे आपको रूम्स वहाँ पे 500-600 यूरो के मिलते हैं। यही रीजन है कि अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा आउटस्किट्स में जाके रहें, म्यूनिक में डायरेक्टली ना रहें, क्योंकि एक तो घर मिलते नहीं है और अगर मिले भी तो वहाँ पे रहने के हिसाब से जो रेंट देना पड़ता है वो आपको काफ़ी देना पड़ता है। इसके अलावा म्यूनिक जो है बायन में आता, बायन एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे नेचर ने बहुत सी अच्छी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जिस तरह गार्मिश पार्किनस्टाइन कह लें, वो भी म्यूनिक के सराउंडिंग में है। आपको हाइकिंग वगैरह का शौक है तो आई थिंक वहाँ पे बहुत से आपको हाइकिंग करने के लिए आसपास में ही काफ़ी अच्छे अच्छे पहाड़ मिल जाएंगे और हाइकिंग ट्रैक्स मिल जाएंगे। बाद उराख का रीजन जो कि बादन वुर्टेनबर्ग में आता है, वो भी म्यूनिक के पास ही है, वो भी लाजमी चेकआउट कीजिएगा। नोयश्वाइनस्टाइन कासल एक बहुत प्यारी जगह है, मैं क्योंकि उल में रहा हुआ हूँ जो कि म्यूनिक से सिर्फ 2 घंटे दूर था, वहाँ पे बहुत अमेजिंग किस्म की जो सीनरीज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, और मुझे
जो सबसे अच्छी चीज लगती थी वहाँ के हाइकिंग ट्रैक्स ही लगते थे। नेचर के इतना करीब हो के बंदा वहाँ पे रहता है कि आप कहते हो कि यार वाह मजा आ गया रहने का। आई थिंक अगर आपने यहाँ तक सुन ली है तो जल्दी जल्दी मैं बाकी के 5 सिटीज जो कि मेरी लिस्ट में है, ये लिस्ट आपको कहीं लाइक शायद इंटरनेट पे ना मिले, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है उसके लिहाज से जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 सिटीज कौन से होंगे। उल्म ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सिटी क्योंकि वहाँ पे 5 साल मैंने रहा है, और जब भी आप जर्मनी आते हो तो आप उस सिटी से अटैच हो जाते हो, जोन से भी सिटी में आप सबसे पहले आते हो क्योंकि काफ़ी यादें और काफ़ी दोस्त आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए, मेरे हिसाब से उल्म मेरे लिए बड़ा एक फेवरेट सिटी है। बट अगर मैं ना होता, एक रैंडम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो आई थिंक नंबर 6 पे स्टुटगार्ट आएगा। नंबर 7 पे आप कोलोन ले लें क्योंकि कोलोन भी एक बहुत अच्छा सिटी है जहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटी और काफ़ी अच्छे व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर आपको ओल्ड टाउन्स का शौक है या ओल्ड आर्किटेक्चर जो यूरोपियन आर्किटेक्चर है वो पसंद है तो न्यूरनबर्ग एक ऐसा सिटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत सिटी है, लाजमी आप विजिट कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सिटी। न्यूरनबर्ग में भी स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है जो कि काफ़ी अच्छी और हाई रैंक यूनिवर्सिटी है। 9th पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे फेवरेट सिटी म्यूनस्टर होगा क्योंकि वहाँ पे भी मैंने जॉब की है और काफ़ी अच्छे किस्म का वहाँ पे इंटरनेशनल माहौल है क्योंकि स्टूडेंट एरिया है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जहाँ अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स हैं, साइकिल के शौकीन है, तो आई थिंक म्यूनस्टर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सिटी है क्योंकि म्यूनस्टर को जर्मनी का एम्स्टरडेम कहा जाता है। 10th पे अगर मैं किसी सिटी को रेट करूँगा तो आई थिंक मेरे लिहाज से हैनोवर होगा। हैनोवर एक तो बड़ा एक सेंट्रल सिटी माना जाता है जहाँ पे अगर आपने फ्रैंकफर्ट आना हो तो उतना ही डिस्टेंस पड़ता है जितना ऑलमोस्ट आपने अगर बर्लिन जाना हो। हैनोवर में यूनिवर्सिटीज काफ़ी अच्छी हैं, हैनोवर एक बड़ा एक कॉलमिंग सा एटमोसफेयर है वहाँ का, बड़ा स्पार्क्स ऑफ सिटी है, सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है उस सिटी में। तो आई थिंक नंबर 10th पे मेरे लिहाज से हैनोवर होगा। आप अपनी बेस्ट 10 सिटीज़ की लिस्ट बताइए, ये मेरी बेस्ट 10 सिटीज़ की लिस्ट थी। अगेन यू डोंट हैव टू एग्री विद डैट कि हाँ यही टॉप 10 सिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि लिस्ट मैंने थोड़ा ठीक हिसाब से बनाई है या फिर आपने भी उतनी सिटीज़ विजिट की हैं जितने मैंने किए हैं अराउंड 40-50, उसमें से आपको जो सिटीज़ पसंद आते हैं डू मेंशन इट। हो सकता है कोई ऐसा सिटी हो जहाँ पे मैंने अभी तक विजिट नहीं किया तो प्लीज़ डू मेंशन इट, मैं हो सकता है वहाँ पे विजिट करूँ और बाद में ये लिस्ट थोड़ी सी चेंज हो अगले साल जो कि अभी है। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो डू लाइक इट, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह और भी आपको यूरोप रेलिवेंट एजुकेशनल प्लस इंफॉर्मेशनल वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I'm not this.